उस फ्रैंकलिन कलवे ने मेरे लावा पापा को मार के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं इस लावा से अपने पापा की आत्मा को शांति दिलाने वाला हूँ। उसके बाद इस रोबोट के अंदर ऐसी जान डालूंगा कि ये एकदम पावरफुल रोबोट बन जाएगा। उसके बाद इसी रोबोट से मैं पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। अरे चिंकी बिटिया, जल्दी से कुछ ना कुछ करो, वरना ये पुक्की का प्लान अगर सक्सेसफुल हो गया तब तो ये फिर से अपने पापा की तरह पूरी दुनिया को खत्म करने पे आ जाएगा। ठीक है आइस पापा, मैं जल्दी से उस फ्रैंकलिन के पास जाती हूँ और उसे सारी बात बताती हूँ कि ये पुकिया जो है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक से रोबोट को तैयार कर रहा है। उसके बाद ये इसी से पूरी दुनिया को खत्म करने की तैयारी कर रहा है। जल्दी से जाते हैं उस फ्रैंकलिन को बताते हो। चलो चलो जल्दी से जाते हो, वरना अगर इसने इस रोबोट को एक्टिवेट कर दिया तब तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। चलो 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 जल्दी से बता देती हूँ। और भाई साहब, कल वह फिर क्या हुआ था ये तो बता यार। जब उसके बाद ना लावा गॉड को उस थ्री हेडेड डेविल गॉड ने इतना खतरनाक पावर से मारा कि भाई वो एकदम मुंह के बल नीचे ही गिर गया। चाहे तो शिनचैन से पूछ लो। अरे हाँ यार, चौप बहुत ही ज्यादा मजा आई थी, हम लोग तो वहीं पे खड़े होके देख रहे थे बस खाली। वाह भाई साहब कलवे, अब तो लावा गॉड मर गया है, अब तो उसका बेटा बचा होगा बस खाली। हाँ यार चौप, यही तो दिक्कत है, उसका बेटा बचा है। और तो और लावा गॉड ने मरने से पहले अपने बेटे को सारी पावर्स दे दी थी यार। बस मेन दिक्कत जो है वो यही है कि उस लावा गॉड ने अपने बेटे को सारी पावर्स दे दी। अगर लावा गॉड अपनी पावर्स के साथ मरता तो उसकी पावर्स भी मर जाती, लेकिन उसने अपने बेटे को अपनी पावर्स दे दी है तो वो अपना बेटा मतलब उसका बेटा और उस पावर्स का कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। अरे यार फ्रैंकी भैया, कहीं उस पुकिया ने गलत इस्तेमाल कर दिया पावर का तो क्या होगा? यार भाई, अगर उसने गलत इस्तेमाल किया पावर्स का तब तो भाई समझ लो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि भाई लावा गॉड बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसने अपनी पावर्स दे दी हैं उस पुकिया को। अब वो छोटा सा बच्चा उस पावर्स को कैसे इस्तेमाल करता है देखना ये होगा यार। कहीं वो गलत इस्तेमाल ना कर दे उस पावर्स का, वरना भाई पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, सही बता रहा हूँ। अरे भाई साहब कल वो ऐसा है तो मैं जा रहा हूँ अपनी नानी के घर। भाई तुम्हारी नानी का घर भी इसी दुनिया में है समझे, कहीं अलग दुनिया में नहीं है। तो तुम चाहे नानी के घर रहो चाहे पानी के घर रहो, हर जगह तुम्हारा मरना फिक्स रहेगा अगर उस पुकिया ने गलत पावर्स का इस्तेमाल किया तो। जल्दी 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 हो फ्रैंकलिन भैया के घर। अरे फ्रैंकलिन भैया कहाँ हो यार, कहाँ हो यार फ्रैंकलिन भैया, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है फ्रैंकलिन भैया, कहाँ हो यार, जल्दी से आओ, कहाँ हो यार, अरे यार गिर गई। अरे फ्रैंकलिन भैया जल्दी से, जल्दी चलो, जल्दी चलो मेरे घर। अरे चिंकी, ऐसा क्या हो गया यार कि मैं तुम्हारे घर चलूं? अभी तो मैं वहीं से आया हूँ, थोड़ी देर हुआ है, फिर क्यों बुला रहे हो तुम? अरे यार फ्रैंकलिन भैया, वो पुकिया पागल हो गया है, वो पुकिया कहीं से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक रोबोट लेके आया है और उसे एक्टिवेट कर रहा है और अपनी पावर्स को रीएक्टिवेट कर रहा है। क्या कहा, उसने अपनी पावर्स को रीएक्टिवेशन करना शुरू भी कर दिया है और वो रोबोट लेके आया है? ओ भाई साहब, अब तो और बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार। लेकिन उसे रोबोट मिला कहाँ से यार? वो लॉस सेंटोस के एक साइंटिस्ट के पास गया था, उसी ने उसे बहुत ज्यादा खतरनाक सा रोबोट दिया है। अरे यार ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई यार, कहीं उसने उस रोबोट को भी एक्टिवेट कर दिया तब तो भाई और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। वो लावा गॉड की पावर्स अलग और उस रोबोट की पावर्स अलग, यार डबल डबल पावर्स हो जाएगी उसके पास और वो इस दुनिया को भाई दो टुकड़ों में कर सकता है इतनी पावर्स के साथ। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, चलो 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 कहीं भाग चलते हैं। यार भाई भाग के जाओगे कहाँ, रहोगे तो इस दुनिया में ही ना, कहाँ तुम छुप जाओगे जाके यार। अरे यार फ्रैंकलिन भैया चलो चलते हैं, स्पेस में रहते हैं। यार आइडिया तुम्हारा काफी अच्छा है स्पेस में रहने का, लेकिन भाई स्पेस में जाने के लिए हमें रॉकेट की जरूरत पड़ेगी और भाई रॉकेट भी तो नहीं है अपने पास, और रॉकेट खरीदने के लिए कम से कम तुम्हारे पास 10-15-20 करोड़ रुपए होना चाहिए, तब जाके तुम रॉकेट खरीद पाओगे। ये भी शायद मैं बहुत कम बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए भाई, उतना पैसा है नहीं हमारे पास। भाई साहब कलवे, एक काम करते हैं, चल के उस पुकिया को समझाते हैं, शायद वो समझ जाए। हाँ यार ये भी हो सकता है, एक बार चल के उस पुकिया को समझाने की कोशिश करते हैं, शायद वो समझ जाए यार कि मतलब ये पूरी दुनिया खत्म करने से रोक दे यार। यार चिंकी मुझे तो लगा था सारी बलाएं टल गई यार, लेकिन तुम तो आके यार फिर से दिमाग खराब कर दी मेरा। यार शिनचैन चिंकी, चलो यार अब चलते हैं इस सैंडी सॉर्स में चिंकी के घर और देखते हैं वो पुकिया क्या कर रहा है। आ जाओ सब लोग जल्दी आओ। भाई साहब कलवे, मैं अभी चलूंगा। अबे यार चौप, तू क्या करेगा भाई वहां जाके, बस खाली खड़ा ही रहेगा और कहीं तुझे इधर उधर की पावर लग गई ना तो तू मर ही जाएगा, इसीलिए तू यहीं पे रहा। नहीं भाई साहब कलवा, मैं अभी चलूंगा, मुझे अभी चलना है भाई साहब कलवा।
अबे यार ये तो गजब रो रहा है यार, ऐसे कौन रोता है। चल अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ गाइस, सब लोग आ जाओ। चलो तुम सबको लेके चलता हूँ, आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठो। अरे यार ये लोग कितना धीरे चलते हैं यार, तुम लोग कॉम्प्लेन वॉम्प्लेन पिया करो, बूस्ट वूस्ट खाया करो, तब जाके स्पीड बढ़ेगी तुम लोग की, इतना लिप 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 चलते रहते हो। जल्दी आओ तुम लोग, जल्दी बैठो चिंकी, जल्दी बैठो। ओके यहाँ पे शिनचैन बैठ चुका गाड़ी में, और भाई चॉप तू भी आ जा। ये चिंकिया उधर से कितना घूम के, अरे यार ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चॉप जल्दी से तुम भी आ जाओ छत पे बैठो। ठीक है बॉयज आप कल, मैं जल्दी से आता हूँ। चलो यार गाइस ये सब लोग बैठ चुके हैं, अब चलते हैं सैंडी शॉर्ट्स इस चिंकी घर और देखते हैं पुकी आखिर ऐसा क्या कर रहा है। भाई उसे समझाना पड़ेगा भाई, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर वो गुस्सा आ गया। भाई गुस्सा तो गया ही है, हम लोगों ने उसके पापा को मारा भाई, ऐसे थोड़ी कोई नॉर्मली शांत रहेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर करने की फिराक में है वो। लेकिन बस हमें उसे रोकना होगा जल्दी से जल्दी, वरना भाई पूरी दुनिया खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। चलो यार गाइस फाइनली तो हम लोग इसके एरिया में पहुंच चुके हैं, बस जल्दी से हमें पुकी। अरे भाई साहब ट्रेन आ रही थी, दरवाजा सब बंद हो गया था, लेकिन मैंने सारा दरवाजा ही तोड़ दिया। और देखते हैं वो पुकी है कहाँ। ओ भाई साहब ये पुकिया क्या कर रहा भाई, ओ माय गॉड यार ये क्या कर रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया वो एक लावा है, और लावा के अंदर बैठ के कोई मंत्र पढ़ रहा है ताकि वो रोबोट जिंदा हो जाए और उसकी पावर्स आ जाए, और तो और उसके इस लावा पापा को आत्मा को शांति मिल जाए। ओ भाई साहब इसके लावा पापा ये देखो कैसे पढ़े हैं भाई साहब, इनको शांति दिलाने के लिए ये कोई मंत्र पढ़ रहा है, और तो और ये वाला रोबोट तो देखो गाइस तुम लोग कितना ज्यादा खतरनाक है। ओ भाई यार कसम से ये बहुत ज्यादा खतरनाक रोबोट है यार, अगर ये एक्टिवेट हो गया ना सच बता रहा हूँ ये पूरी दुनिया 101% खत्म हो जाएगी भाई, इतना ज्यादा खतरनाक रोबोट है यहाँ पे, अगर ये एक्टिवेट हुआ तब तो खेल खत्म। अरे पुक्की भाई यार सॉरी तुम्हारे पापा को हम लोगों ने गलती से मारा था, और हम लोगों ने तो मारा भी नहीं था भाई, वो तो 300 लावा गॉड ने मारा था, तो तुम हम लोगों से बदला क्यों ले रहे हो, पूरी दुनिया खत्म करने के पीछे क्यों पड़े हो। फ्रैंकलिन कलवे तूने ही उस 300 लावा गॉड को बुलाया था, इसीलिए मेरे पापा आज जिंदा नहीं है, वरना अगर तू ना बुलाया होता तो आज मेरे पापा जिंदा होते। अरे यार पुकी लेकिन वो सब तो ठीक है यार, इसको ऊपर चढ़ के समझाता। ओ भाई साहब इसने तो मुझे धक्का दे दिया यार अपनी पावर से। ओ माय गॉड यार ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है यार। पुकी भाई सॉरी यार, प्लीज यार क्या करूं यार, इसके पास तो बहुत ज्यादा पावर है। कल मैं कहीं क्या मेरे को छू भी मत देना, वरना तुझे पटक पटक के मारूंगा, अभी एग्जांपल दिया था ना मैंने तुझे। यार गाइस एक बार और ट्राई करते हैं, शायद मैं इसको शांत करा लूं, एक बार और ट्राई करते हैं। अरे यार पुकी भाई अरे यार मैंने तो इसे नीचे गिरा दिया। कलवे फ्रैंकलिन कहीं के तूने मेरे पापा की आत्मा को शांति देने में विघ्न डाला है, मेरे को डिस्टर्ब किया है, अब तेरा खात्मा होके रहेगा क्योंकि मेरे पास पावर्स तो आ ही चुकी हैं, और तो और मैंने इस रोबोट को भी एक्टिवेट कर दिया है, अब देख तेरा क्या होता है, तुझे इतना मारूंगा कि तू ही भूल जाएगा कि कितना मार खाया है तू। अरे भाई यार पुक्की मत मारो यार क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा यार तुम्हारा। लेकिन यार तुम्हें देख के लगता नहीं मेरे पास कि तुम्हारे पास कोई पावर है यार, ये मुझे लग रहा है फालतू का यहाँ पे लावा हवा वाला खेल कर रहा था, फालतू का भाई ये सब कर रहा था, इसके पास तो कोई पावर ही नहीं मुझे लगता है। अरे हाँ यार फ्रैंकी भैया मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा तुम लोग को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे टाइम पास करने के लिए इस गरम गरम लावा में, अभी दिखाता हूँ तुम लोग कितना गरम लावा था उसमें मैं बैठा था, तुम लोगों को लगता है मैं इस गरम गरम लावा में सिर्फ टाइम पास करने के लिए बैठा था। ये तुम लोग को बहुत ज्यादा गलत लगता है, अभी तुम लोग को दिखाता हूँ कि मेरे पास इस लावा में बैठने की वजह से और मेरे लावा पापा की वजह से कितनी ज्यादा खतरनाक सी पावर्स आ चुकी है, अभी दिखाता हूँ। अबे जा यार पुकिया फालतू की बातें मत कर, यहाँ पे ये लावा में बैठा था, एक बार चल के देखते हैं गाइस, क्या पता ये फेक लावा हो, क्या पता ये येलो कलर का फेक लावा हो। शिनचैन ये फेक लावा है, एक बार जाके टेस्ट करो जरा। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो फेक लावा है, एक बार जाके इसके अंदर टेस्ट करता हूँ कि ये असली लावा है कि नकली लावा है। चलो 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 चलो। अरे यार फ्रैंकलिन भैया बचाओ, अरे यार फ्रैंकलिन भैया बचाओ, अरे यार फ्रैंकलिन भैया बचाओ। अरे यार शिनचैन ये क्या हुआ, ये क्या हुआ यार शिनचैन, रुक जाओ तुझे जल्दी बचाता हूँ। ये ओ भाई साहब कितनी मुश्किल से शिनचैन को बचाया है, मुझे लगा था ये फेक लावा है यार, लेकिन ये तो रियल का लावा है भाई साहब, तो ये पुक्की क्यों
नहीं चल रहा था भाई। इसका मतलब सच में इसके पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली पावर्स आ चुकी हैं यार, तभी ये इसमें नहीं चल रहा था और शिनचैन जाते ही जल गया। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, मैंने आपके कहने पे इस लावा पे गरम गरम लावा में कदम रखा था, वरना मैं जाता भी ना, आपने मुझे चलाया है। अरे नहीं यार शिनचैन, मुझे लगा था कि ये झूठ बोल रहा है और इसके पास फेक पावर्स है, लेकिन यार अब तो मुझे यकीन हो गया इसके पास पावर्स है, तभी ये इस गरम गरम लावा में जल नहीं रहा था। और तो और गाइस, यहाँ देखो धुआं भी निकल रहा है। ओ भाई साहब, मतलब ये पुकिया काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। हाँ, मेरे पास बहुत ज्यादा पावर्स आ चुकी है, तो सबसे पहले मैं किसको मारूं। एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं अपना ये रोबोट एक्टिवेट कर लेता हूँ। ये देखो, मेरा तो रोबोट भी एक्टिवेट हो गया है। अब तुम लोग की इतनी चटनी बनाऊंगा तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। ओ भाई साहब, इसने तो अपना रोबोट भी एक्टिवेट कर लिया यार। गाइस अब क्या हो गया यार, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार। क्या होगा यार, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सबसे पहले मैं इस आइस गॉड को मारूंगा, क्योंकि इसने भी हेल्प करी थी मेरे लावा पापा को मारने में, और अब इस लावा पापा की बदला को मैं लूंगा इस आइस गॉड को मार के। अरे ओ चिलगोजे, तेरे जैसे बहुत आए और बहुत गए, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, छोटा सा है, बस दो उंगली से तुझे मसल के रख दूंगा, समझ गया ना, चल निकल यहाँ से। अच्छा, तू मुझे दो उंगली से मसल के रखेगा, अभी तुझे बताता हूँ अपनी पावर्स के बारे में। ये देख मेरी पावर्स, अब देख तेरे साथ मैं क्या करता हूँ। तूने मेरे पापा को मार खिलवाने में मदद की थी ना, उस 300 लावा गॉड की, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अरे पुक्की, ये क्या, तुम तो उड़ने लगे, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हल्के में लिया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। हल्के में लिया था ना, अब तू मुझे भारी मिलेगा। अब देख तेरा क्या होता है। अब देख तुझे कैसे मारता हूँ। ये ले तेरी आँख फोड़ दूंगा, तेरा मुंह जला दूंगा। ये ले आइस कॉट कहीं के। अरे मेरा मुंह इसने जला दिया है, कोई तो बचाओ मुझे, मेरे मुंह को जला दिया है इसने, मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ। देखा ना मेरी पावर्स, अभी तो और देखेगा। ये ले तुझे जला के खाक कर दूंगा। ये ले अब मैं जा रहा हूँ पूरी दुनिया को जला के खाक करने। ये देखो तुम लोग का हीरो आइस गॉड मर रहा है, धीरे धीरे ये गिर रहा है, क्योंकि मैंने इसके दिमाग पे मार दिया है अपनी पावर से। अब धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएगा। अब आएगी असली मजा। ये देखो तुम लोग का हीरो आइस गॉड धीरे धीरे गिर रहा है। ये देखो गिर रहा है, चल गिर जा आइस गॉड के बच्चे, मर जा आइस गॉड। ये ले तेरी पूरी बॉडी में आग लगा दूंगा। और चिंकी बिटिया, अपना ख्याल रखना, मैं ये दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने अपना बदला ले लिया, अब चलता हूँ इस पूरे शहर में धमाके करने। चलो चलो चलो। यहाँ पे है ढेर सारे लोग, यहाँ पे मारने में मजा आएगी। चलो चलो चलो। ये ले सबको मार के चटनी बना दूंगा। ये यहाँ पे और लोग हैं, सबको मारूंगा। और लोग हैं, ये यहाँ पे गाड़ी है ना, ये ले गाड़ी, सबको खत्म कर दूंगा। ये ले गाड़ी, सबको खत्म करने में तो बहुत ज्यादा मजा आती है। चलो, यहाँ पे एक और गाड़ी है, ये ले गाड़ी कहेंगी, ये ले गाड़ी, ये ले। इसको मारने में तो और ज्यादा मजा आई। अरे अरे अरे, ये ले
ये ले मेरे पापा को मारेगा ना, ये ले फ्रैंकलिन, ये ले, इस गाड़ी को तो खूब ऊपर मारूंगा, इसको उड़ा के हवा में ले जाऊंगा, इसका तो टायर ही निकल गया, और मारूंगा इस गाड़ी को, ये ले मजा आ गया इस गाड़ी को तोड़ने में। अरे ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, इसको भी मार के खत्म कर दिया। कोई यहाँ पैदल चलने वाला दिख ही नहीं रहा है, चलो 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 कोई तो दिख जाए, ये देखो कितना प्यार से जा रहा है। अरे अरे अंकल जी आपको मारना है मुझे, अरे ये तो आंटी जी है, आंटी जी आपको मारना है मुझे। अरे बेटा मुझे क्यों मारना चाहते हो? कुछ नहीं बस ऐसे मुझे मजा आती है मारने में लोगों को। अरे बेटा मत मारो, अरे बेटा मत मारो। यहाँ पे तो ढेर सारे लोग है, यहाँ पे इनको जला देता हूँ। ये ले यहाँ पे भी ढेर सारे लोग हैं, इन सबको जला देता हूँ। वाह 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 वाह, जलाने में तो मजा ही आ जाती है। ये देखो कितना अच्छे से जल रहे हैं ये लोग, चलो चलो चलो, ये लो जला दिया इनको भी जला दिया। ये कितना मजा आ रही है मारने में ये। अरे 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 भैया आप मुझे मारने आए हैं? तू कौन है? तुझे मार मार के मैं तेरा कीमा बना दूंगा। अच्छा आप मेरा कीमा बनाएंगे, ठीक है अब मैं आप ही का कीमा बना देता हूँ। ये लीजिए कीमा बन गया ना। मेरा कीमा बनाने आए थे ये, ये लीजिए और कीमा बनाना है। बोलिए बोलिए बोलिए, और कीमा, ये लीजिए और कीमा बना दूँ क्या आपका, ये लीजिए और कीमा बना दूँ क्या आपका, ये लीजिए। मेरे आइस पापा भी मर गए, मेरे आइस पापा को पुक्की ने मार दिया फ्रैंकलिन, मेरे आइस पापा। अरे यार चिंकी आई एम सो सॉरी यार, मेरे होते हुए तुम्हारे आइस पापा को उस पुक्की ने मार दिया है फिलहाल यार। लेकिन एक सेकंड, जब लावा गॉड मर रहा था तो उसने अपने बेटे पुक्की को काफी ज्यादा पावर्स दी थी, लेकिन अब जब आइस गॉड मरा है क्या तुम्हें कोई पावर्स दी है उसने? नहीं नहीं मुझे कोई भी पावर्स नहीं दी है उसने, मेरे पापा ने मुझे कोई पावर्स नहीं दी। लेकिन यार ये तुम कैसे कह सकती हो? हो सकता है तुम्हें पावर्स मिल गई और तुम्हें पता भी ना चल रहा हो। क्या कहा, मुझे पता ना चल रहा हो? हाँ हाँ यार वही तो, एक बार तुम ना ये जो लावा है जलता हुआ लावा, जिसके पास पावर्स नहीं रहती है वो इसमें जाता है तो वो जल जाता है। जैसा कि अभी तुम लोगों ने देखा ही था कि जब शिनचैन इसमें गया था, जब शिनचैन के पास पावर नहीं थी तो जैसे ही इसमें गया वैसे वो जलने लगा। तो अगर तुम्हारे पास पावर्स होंगी तो तुम नहीं जलोगी, अगर नहीं होगी तो इसका मतलब तुम जल जाओगी। तो जैसे ही तुम जलने लगोगे मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा तुम्हें बुझाने के लिए, बट पहले तुम जाके इसमें चेक करो कि तुम्हारे पास पावर्स हैं या फिर नहीं। ठीक है फ्रैंकलिन, अगर मैं जल के मर गई तो मेरी आत्मा को शांति तुम दिलवा देना, मैं जा रही हूँ इसके अंदर, मैं जलूंगी नहीं। मैं जल रही हूँ क्या? नहीं मैं तो नहीं जल रही हूँ, इसका मतलब मेरे पास भी पावर्स है। अरे वाह, इसका मतलब तो मेरे पास भी पावर्स है। ओए ओए, मेरे आइस पापा ने मुझे पावर्स दिया है मरने से पहले, अब तो मैं उस बुकिया को मार डालूंगे, उसने मेरे पापा को मारा है, मैं उस बुकिया को मार डालूंगे। तबाह करेगा, उसके बाद इस पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, हर एक इंसान को वो मार मार के खत्म कर देगा। अब चिंकी या तो तुम उसे बचाओ, मतलब इस पूरे शहर को बचाओ उस पुक्की से, या तो मुझे अपनी पावर्स दे दो, मैं उस पुक्की को मार के इस पूरे शहर को बचाऊंगा। नहीं नहीं मैं
मैं तुम्हें अपनी पावर्स नहीं दूंगी, कहीं तुमने उसका गलत इस्तेमाल कर लिया तो। अरे यार चिंकी, मेरे ऊपर तुम्हें भरोसा नहीं है, मेरे ऊपर भरोसा नहीं तुम्हें। मैंने यार तुम्हें इतना ज्यादा तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब तुम कह रही हो कहीं तुम मेरी पावर्स को लेके भाग गए या फिर तुमने गलत इस्तेमाल कर लिया। यार बिल्कुल भरोसा नहीं है शिनचैन, देख रहे हो। अरे यार चिंकी दे दो, मेरा भरोसा करो, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। देखो 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 मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरे फ्रैंकलिन भैया बहुत अच्छे हैं, वो सबके लिए काम करते हैं, तुम्हारे लिए भी तुम्हारे पापा का बदला ले लेंगे वो। जल्दी सुने पावर दे दो। अच्छा फिर ठीक है, मैं वो पावर्स दे देती हूँ इस फ्रैंकलिन को, ये लो। ओ भाई साहब कितना ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा हूँ मैं, मुझे गाइस पावर्स मिल चुकी हैं, आइस गॉड की पावर्स। अब मैं आइस गॉड की पावर से उस पुकिया को मारने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे चलना पड़ेगा शहर में। तो चलो सब लोग आ जाओ, चलते हैं शहर में और उस पुकिया को मार के गिरा देते हैं। जल्दी से आ जाओ, बैठो तुम लोग मेरी गाड़ी में। तो गाइस यहाँ पे सारे के सारे लोग बैठ चुके हैं मेरी गाड़ी में, अब जल्दी से चलते हैं इस आइस गॉड का बदला लेते हैं उस पुकिया से। और भी उस पुकिया ने अब तक पता नहीं कितने मासूम लोगों की जान ले ली होगी। गाइस तुम लोग यार कमेंट करके बताओ, जान ली है या फिर नहीं ली है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। आज उस पुकिया की खैर नहीं, जल्दी से चलते हैं। गाइज मैं इतनी देर से उस पुक्की को खोज रहा हूँ, लेकिन यार पूरे शहर में पूरा कहीं भी नहीं दिखा वो। और तो और उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई, कहीं भी नहीं दिख रहा है। अरे यार फ्रैंक भैया इधर देखो ये है पुक्किया। कहाँ यार कहाँ? अरे वहाँ खड़ा होकर कॉफी पी रहा है। अच्छा यार अच्छा हुआ उसने हम लोग को देखा नहीं, अगर देख लेता भाई पक्का हम लोग को मार देता अभी। अच्छा हुआ उसने हमें देखा नहीं, यहीं पे खड़े रहो तुम लोग। लोगों को मारते मारते मुझे बहुत जोर से भूख लग गई, इसीलिए अब मैं कॉफी पी लेता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद कॉफी पीने के बाद इन सबको जो यहाँ पे कॉफी पीने बैठे है ना, इन सबको मार डालूंगा। पहले कॉफी पी लेता हूँ। ओए 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 ओए। ओ माय गॉड गाइस, वो कॉफी पी है, तब तक वो वेट कर रहा है और जैसे उसकी कॉफी खत्म होगी वो कह रहा है इन सबको मार डालेगा। गाइस ए भगवान यार गाइस, वो कितने लोगों की हत्या करेगा। उसने आधी से ज्यादा लॉस एंटोस को मार डाला है और खत्म कर डाला है। अब वो यहाँ पे जो कॉफी पी रहे हैं उन लोग को भी मारने वाला है। इससे पहले वो मारे अब मैं उसे ही मारने वाला हूँ। गाइस सुनो, तुम लोग ना यहीं पे रहना समझे, तुम लोग यहीं पे रहो वरना मेरे पीछे पीछे आओगे तो उसे शक हो जाएगा और हो सकता है मेरी जान तो चली ही जाए, लेकिन अगर तुम लोग मेरे पीछे आओगे तो तुम्हारी भी जान चली जाएगी। अरे यार फ्रैंक भैया हम लोग तुम्हें मरने नहीं देंगे। हाँ भाई हाँ, तुम लोग मरने मत देना मुझे, बस यार बस मुझे हॉस्पिटल टाइम पे पहुंचा देना बस। और तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? अरे मोटे भाग जाए यहाँ से, बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन बन चुकी है यहाँ पे, बस चुपके चुपके चलना है गाइस यहाँ पे। और उसको पहले मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ पे पहले गन से मारने की कोशिश करता हूँ, और गन से अगर वो मर जाता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी भाई। एक सेकंड गन निकालता हूँ पहले, यहाँ से कौन सी गन निकालूँ, ये वाली गन निकालता हूँ। ऑल राइट गाइस यहाँ पे चुपके चुपके, ओ शिट यार इसने भी गन निकाल लिया है, इसको मार। ओ भाई इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये देखो मैं इसकी हेडशॉट मार रहा हूँ, इसकी आंखों पे मार रहा हूँ, बस इसको कुछ हो ही नहीं रहा है गाइस। ओ माय गॉड यार ये क्या यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पावर्स लेके बैठा है। एक सेकेंड और यहाँ पे गन्स। ओ भाई साहब ये तो मुझे ही मारना शुरू कर दिया, ये ले ये ले ये ले ये ले। ओ शिट यार मुझे आरपीजी निकालना पड़ेगा, ये ले बेटा ये ले। ओ शिट यार ये पुकिया तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है यार। ओ भाई साहब इसको मुझे मारना ही पड़ेगा, खत्म करना ही पड़ेगा, लेकिन यार ये तो मर ही नहीं रहा, ये देख रहे हो गन से इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब गाइस इसके पास पावर्स हैं, इसीलिए इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अब मुझे भी पावर्स इकट्ठा करनी पड़ेगी अपनी और इसको खत्म करना पड़ेगा। पुकी बेटे तूने बहुत ज्यादा लोगों को बेरहमी से मारा है, अब मेरी बारी है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, समझा? अच्छा मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, अब मेरे पास भी पावर्स है, तो मुझे चाहे जितना मार मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, तो मुझे चाहे जितना मार, चाहे जो पावर्स मार मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन अब तेरा खेल मैं खत्म करूंगा। ये ले। ओ भाई साहब इसको तो ये पावर्स भी नहीं हो रही है भाई, ये क्या भाई, ये ले। ओ भाई ये ले, भाई साहब इसके पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक सी पावर है। तूने मुझे हल्के में लिया क्या? लावा पापा की पावर्स के आगे उस आइस गॉड की पावर कुछ नहीं करेगी, समझा? अच्छा बेटा ये ले। ओ भाई साहब सच में कुछ नहीं कर रही है, ये ले। ओ भाई सच में ये तो भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है यार। एक सेकंड भाई,
ओ भाई साहब, इतना ज़्यादा मुक्का मैंने मारा लेकिन इसको कुछ हो ही नहीं रहा है भाई। ओ भाई साहब, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। ये ले। ओ भाई यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है यार। इसको मैं कैसे मारूँ यार, कैसे मारूँ, कैसे मारूँ यार। पहले मुझे यहाँ पे आके सोचना पड़ेगा थोड़ी देर। ओ भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। इसको मैं लेज़र लाइट से मारने की कोशिश करता हूँ। ऑल राइट गाइस, अब इसको मैं लेज़र लाइट से मारूँगा। उड़ता हूँ पहले। कहाँ गया ये पुकिया, कहाँ गया ये पुकिया, ये रहा ये पुकिया। अब इसको लेज़र लाइट से मारूंगा। ये रहा ये पुकिया, पुकिया कहीं के, आप देख तेरा क्या हाल में कर। ओह शिट यार, गलती हो गई। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं इस कार को मारना नहीं चाहता था। ये ले पुकिया, ये ले। ओ भाई साहब, इसको तो अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा गाइस। ये देखो गाइस, इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है यार। गाइस, इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा यार। ये देखो, इतनी ज़्यादा पावर्स में मार रहा हूँ इसे, फिर भी इसको कुछ नहीं हो रहा भाई, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये देखो भाई यार, इसको कुछ भी नहीं हो रहा है यार। भागना पड़ेगा यार। चिंचैन, उसको कुछ हो ही नहीं रहा भाई। क्या करूँ मैं, क्या करूँ यार चिंकी, क्या करूँ मैं। अरे उसे अगर उसी की पावर से मारोगे तो कुछ नहीं होगा, उसे एक बार फूंक के तो देखो, फूंकने से शायद मर जाए। ठीक है यार गाइस, चिंकी कह रही है फूंकने से मर जाएगा, क्योंकि फूंकने की पावर जो है वो आइस गॉड की है, और ये लेज़र की पावर जो है ये लावा गॉड की है। तो अगर मैं फूकू इसे तो शायद ये मर जाए। एक बार ट्राई मारते हैं। अरे तू मुझे चाहे फूक चाहे थूक, कुछ भी नहीं होगा मेरा। तो गाइस यार, देख रहे हो लगातार मुझे मारता ही जा रहा है, लेकिन अब मैं अपनी फूकने की पावर यानी कि आइस गॉड की फूकने की पावर इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये रही फूकने की पावर। भाई साहब, ये देखो भाई साहब, कितने ज़्यादा खतरनाक तरीके से फूंक रहा हूँ मैं। ओ भाई साहब, इसको फूंक फूंक के पूरा सब कुछ उड़ा दूंगा, इसको भी उड़ा दूंगा। ओ भाई, ये देखो पूरी चेयर्स वगैरह सब कुछ उड़ जा रही है, सब कुछ उड़ा के खाक कर दूंगा और इसको भी ख़त्म करके रख दूंगा आज। ये ले, ये ले। अरे यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अरे मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, अरे मुझे मत मारो यार। इसे फूंक फूंक के जमा दूंगा और यहीं ख़त्म कर दूंगा। ये ले पुक्की के बच्चे, तूने बहुत किया अत्याचार, अब तेरा खेल खत्म। ये देखो गाइस, मैंने इसको फूक फूक के मार डाला। अरे फ्रैंकलिन कलवे, तूने ये अच्छा नहीं किया। मुझे अपने विंड वाली पावर से, आइस गॉड की विंड पावर से मुझे मार। ये ले पुकिया, ये ले। इसका खेल खत्म हो गया गाइस। ये गाइस, हम लोग जीत चुके हैं ये जंग, और इस पुकी को मार चुके हैं हम लोग। ये ले पुकिया कहीं के। फाइनली गाइस, हम लोगों ने इस पुक्की को भी मार दिया और इसकी पावर्स को भी ख़त्म कर दिया। देखा यार शिनचैन, हम लोगों ने जीत लिया ये जंग और इस पुक्की को ही मार दिया। और भाई साहब, ये जंग तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी भाई। फाइनली हम लोगों ने जीत लिया, वो भी भाई इस चिंकी की मदद से हम लोग जीत पाए हैं, वरना जीत भी ना पाते भाई। ये पुक्की कितना ज़्यादा ख़तरनाक था भाई, तुम लोगों ने देखा ना भाई साहब, इतना ख़तरनाक तो मैंने आज तक नहीं देखा था भाई। देख रहे हो कितना ज़्यादा ख़तरनाक है ये यार भाई साहब। तो गाइस, तुम लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करो।